दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में भी EDG नेटवर्क प्रॉब्लम हो रखा है, आपको जो है हाई क्वालिटी नेटवर्क नहीं मिल रहा है, आपके मोबाइल में जो है मोबाइल डाटा EDG, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस तरीके से प्रॉब्लम आ रखी है। नेटवर्क जो है ई पॉइंट पे चल रहा है, EDG नेटवर्क मतलब आ रखा है। चाहे आपके पास कोई सा भी सिम हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, BSNL हो या फिर जियो हो, सभी में यहाँ पे आपको मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं और अपने EDG नेटवर्क को हाई क्वालिटी नेटवर्क में बदल सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी लोकेशन में 4G होगा तो 4G चलेगा, 5G होगा तो 5G चलेगा। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको करनी होंगी, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या सेटिंग्स आपको करनी है। मोबाइल की मेन सेटिंग्स में आपको चले जाना है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है मोबाइल नेटवर्क, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके जिस सिम में भी प्रॉब्लम है उस पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे, मेरे पहले सिम में प्रॉब्लम थी तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे सेटिंग्स को ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डाटा रोमिंग, इसको आपको अनेबल रखना है। परफेरेट नेटवर्क टाइप पे क्लिक करें, हो सकता है यहाँ पे 2G मोड पे लगा रखा हो, तो आपको 5G, 4G, 3G, 2G जिसके अंदर सारे बैंड्स आते हों उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी क्लिक है। उसके बाद ऑप्शन दिखता है एक्सेस पॉइंट नेम्स, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करें और यहाँ पे रीसेट एक्सिस पॉइंट्स पे क्लिक कर दें। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, अपना मोबाइल 30 सेकेंड्स के लिए फ्लाइट मोड पे डाल देना है, या आप अपना मोबाइल को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। अब आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे 99.9% सोल्व हो चुकी है, बट यहाँ पे अगर फिर भी कुछ ऐसे लोग बचते हैं जिनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, तो उनको क्या करना है, उनको अपने मोबाइल की मेन सेटिंग्स में चले जाना है। मोबाइल के मेन सेटिंग्स में जाएंगे और ऊपर आपको सर्च बार देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है रीसेट। रीसेट टाइप करेंगे तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स करके एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पे क्लिक करके आपको जो है अपने मोबाइल का जो आपने स्क्रीन लॉक यहाँ पे डाल रखा होगा पैटर्न या पिन, वो यहाँ पे डाल देना है और आपके मोबाइल के नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगे। अगर किसी भी तरीके का कोई इशू एरर आपकी नेटवर्क सेटिंग्स में होगा तो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे रीसेट करने से, रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पे क्लिक करने से आपके मोबाइल का कोई भी डाटा किसी भी तरीके से डिलीट नहीं होगा, कोई भी नुकसान आपको यहाँ पे नहीं होगा। आप यहाँ पे नो टेंशन होकर रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स को कर सकते हैं। जब आपकी नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट हो जाए तो आपको लास्ट में एक बार अपना मोबाइल रीस्टार्ट कर लेना है, जो आपको EDG नेटवर्क प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था वो आपका हट जाएगा और जो बेस्ट क्वालिटी का नेटवर्क आपके एरिया में होगा वो आपको स्टार्ट हो जाएगा मिलना। तो आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे।